सीहोर में प्राइम ब्रेकिंग न्यूज ने नल जल योजना के ग्राम पंचायत पढ़ेरा मार्ग पर खड़े का मुद्दा प्रमुखता से न्यूज लगाई थी, जिसमें सरपंच दशरथ ने प्राइम ब्रेकिंग न्यूज को बयान दिया था कि मैं कल ही पढ़ेरा मार्ग पर नल जल योजना के अंतर्गत 2 दिन में पूर्ण कर दूंगा। सरपंच ने बात को सच रखते हुए प्रमुखता से अपना कार्य पूरा किया है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए मंदसौर से प्रकाश शर्मा की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पहेड़ा में मगरे पे पानी की समस्या है। सरपंच को कई बार अवगत कराया लेकिन सरपंच ने ध्यान दिया नहीं, बराबर लगातार चक्कर देते रहे। 2 महीने से खड्डे खोदे लेकिन अभी तक नल सप्लाई पानी चालू हो नहीं हो पाया। आप कौन सा वार्ड, कौन सा है ये? 13 नंबर वार्ड। 13 नंबर वार्ड जी। स्थान कौन सा है? पेड़ा मगरा नई आबादी। पेड़ा मगरा नई आबादी। पेड़ा के सरपंच साहब श्री दशरथ पाटीदार जी सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो उनसे सुनते हैं पानी की सप्लाई के लिए। मगरे पे बड़ी समस्या आ रही पानी की और वहाँ पर पानी सप्लाई नहीं, नहीं है और खड्डे खोद रहे हैं। सरपंच साहब से बात करते हैं। हाँ सरपंच साहब बताएं क्या वास्तविकता क्या है? चौथे दिन नल ले रहे हो, वहाँ पे खड्डे खोदे हुए नल लगे हुए नहीं, आप कह रहे हो चौथे दिन नल कैसे? 10 घर है लगभग और उसमें 10 घर में हाँ 4 कितने भी हो वहाँ पानी सप्लाई नहीं हो रहा उनका। हो जाएगा उनके सर, वो खाली वो पीएचई वाला उसने वकील के यार साहब आएंगे नहीं, हम तो करते कब के नहीं, साहब तो आएंगे लेकिन उन लोगों को कहना है कि विगत 2 महीने से खड्डे खोदे हुए हैं कम से कम 2-2 फीट के। हाँ पहले तो दो लाइन उन्होंने क्या मालूम वो फोड़ डाली उन्होंने नली गोल गोल की इसलिए बंद है। 2 महीने से खड्डा खोदे हुए हैं। 2 महीने से नहीं है उनका कहना है वहाँ के रजवासी है। तो ये कब तक चालू हो जाएगा क्या कहना है? मैं कल गड़वा दूंगा पाइप। कल हो जाएगा ठीक है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।